हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। इरफान खान विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज एंटरटेनिंग स्किल्स ऑन स्क्रीन। ऑफ स्क्रीन टू इरफान कुड बी इक्वली एंटरटेनिंग विथ हिज सटल फनी पंचेस, एंड वी गॉट टू विटनेस दैट इन वन ऑफ हिज एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज टू मिडडे अ कपल ऑफ इयर्स बैक। आपका जो स्टाइल है आज काफी आई कैचिंग था, मैं कहूंगी। जी हम इसलिए आई कैचिंग है क्योंकि ये थोड़ा सा फ्यूजन लुक लग रहा है। क्या आपने खुद से मतलब सोचा कि आज मैं ऐसा फ्यूजन लुक कैरी करूंगा? मुझे नहीं पता है फ्यूजन लुक, मैं बोल रहा हूँ लुंगी पहनी हुई मैंने। इसमें फ्यूजन लुक का क्या है मतलब? ये लुंगी के ऊपर जैकेट है। तो मैं मुझे इससे लड़ना पड़ा कई लोगों से, लोग जो है इसके उसमें फेवर में नहीं थे। मैंने कहा लुंगी, यार लुंगी पहनने में क्या दिक्कत है, अपना आरामदेह यू नो पहनावा है और बहुत कन्वीनियंट है जी। तो इसलिए मैंने पहना, और क्योंकि ये फंक्शन था तो जैकेट पहन लिया। इरफान, आप काफी टाइम के बाद एक्चुअली एक फिल्म में नजर आने वाले हैं, तो क्या मैं आप बता सकते हैं कि आप इतना टाइम क्यों लेते हैं? बिकॉज फैंस आपके इंतजार करते हैं, वेट करते हैं आपकी पिक्चरों के लिए। इस साल मैंने ज्यादा कर ली है, तो ऐसा ना हो कि अगले साल आप ये बोले कि मैंने पिक्चर क्यों भेज देते हो। सीरियस मुद्दा हम उठाते हैं और उसको हंसते हंसते बयान करें रादर देन उसको एक सीरियस तरीके से, तो क्या आसान होता है ज्यादा? मेरे लिए ये ज्यादा इंजॉयबल है, जहाँ मतलब लोग मनोरंजन भी हो उनका, लोग हंसे थोड़ा और बाहर निकले तो एक यू नो एक अच्छी फीलिंग के साथ बाहर निकले। आपको कॉमेडी करने में कितना मजा आता है? बिकॉज मुझे लगता है ट्रेलर से ये अंदाजा लग रहा है कि लोगों को मजा आने वाला है। मुझे बहुत मजा आया, मैं ढूंढ रहा था कॉमेडी करना, मुझे कई सालों से मैं सोच रहा था कि मुझे मिल जाए अच्छी स्क्रिप्ट। मैंने सुना है कि लड़कों को लगता है कि अगर वो अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे तो लड़कियां आसानी से पढ़ती हैं, आप इस बात में यकीन मानते हैं? मैं ये तो पता चलता है कि अगर आपकी ठीक अंग्रेजी नहीं है तो 5 लड़कियां भाग जाती हैं। कभी आपने कॉलेज टाइम में या थिएटर के टाइम में किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश की हो, इंग्लिश में की थी या हिंदी में? वो कुछ भी जिस भी भाषा में की कभी नहीं हुई इम्प्रेस। फिर भी आपने ट्राई कभी किया? तो काफी किया मैंने, हर तरह से किया, अंग्रेजी में भी किया, हिंदी में भी किया। मुझे तब पता चला कि इस जबान का कोई महत्व ही नहीं है, चाहे अंग्रेजी बोलूं हिंदी बोलूं तो वो मुझे ऐसे ही लेती हैं। आप उन लोगों के लिए कुछ यू नो मैसेज देना चाहेंगे जो वाकई इस अंग्रेजी भाषा को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने बच्चों को पुश करते हैं कि आप उसी भाषा में किताबें पढ़ें, वैसे बातें करें? आपको क्या लगता है कि वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल ध्यान तो देंगे कम से कम। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कोई मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे लगता मैं इस लायक हुआ हूं कि मैं किसी को मैसेज दे सकूं। You're very humble, इरफान। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।